तो गैस आपको भी इस टाइप की अमेजिंग सा लाइट ब्लू कंसेप्ट की फोटो एडिटिंग सीखना है तो वीडियो को एंड तक देखना है एंड गैस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चले गए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट लेते हैं। ओके सो गैस सबसे पहले गैस है क्या करना है, आपका जो फोटो को गैलरी से सेंड करके स्नैपशीट पर इनपुट करना है। तो गैस यहाँ पर मैं शेयर पर क्लिक करता हूँ और गैस यहाँ पर देख सकते हो ये रहा स्नैपशीट ऐप। सिंपली गैस आपको स्नैपशीट ऐप को सिलेक्ट लेना है। सो गैस यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो फोटो स्नैपशीट पर इनपुट हो चुका है और यहाँ पर मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको वीडियो को एंड तक देखना है, मैं आपको डीपली अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके सिखा दूंगा। तो सबसे पहले गैस आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है, देख सकते हो गैस ये रहा पेंसिल आइकन का ऑप्शन। सिंपली गैस आपको ये पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद गैस आपको टून इमेज पर क्लिक करना है। तो ये रहा टून इमेज का ऑप्शन, सिंपली गैस आपको ये इमेज पर क्लिक करना है और यहां पर गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर ब्राइटनेस को प्लस करना है। ठीक है, तो गाइस यहां पर मैं ब्राइटनेस को प्लस करता हूं, ब्राइटनेस को प्लस करके गाइस आपको यहां पर 30 के आसपास रखना है। तो 30 रखने के बाद अभी गाइस आपको कंट्रास्ट को माइनस करना है। ठीक है, तो कंट्रास्ट को माइनस करके गाइस आपको 8 के आसपास रखना है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको सैचुरेशन को भी माइनस करना है। तो यहां पर मैं सैचुरेशन को माइनस करके 30 के आसपास रखता हूं। उसके बाद गाइस आपको डन करके बैक चलना है। तो बैक जाकर के अभी गाइस आपको क्या करना है, आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करके व्यू रीड पर क्लिक करना है। तो गाइस यहां पर देख सकते हो ये रहा व्यू रीड का ऑप्शन। सिंपली गाइस आपको ये व्यू रीड ऑप्शन पर क्लिक करना है, व्यू रीड पर क्लिक करके यहां पर गाइस आपको टून इमेज ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद बीच में एक एडिट ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको यहां पर फोटो को जूम करके यहां पर गाइस आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्किन के ऊपर ही स्टेप से ड्रॉ करके स्किन को और भी थोड़ा ग्लो करना है। ठीक है, तो गाइस यहां पर मैं जल्दी से ग्लो कर देता हूं। सो गैस यहाँ पर स्किन को ग्लो करने के बाद अभी गैस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है और यहाँ पर फिर से गैस आपको डन करके बैक चलना है। सो बैक जा करके फिर से गैस आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है। तो पेंसिल आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर गैस आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, नीचे जा करके एक ऑप्शन मिलेगा पोर्ट्रेट का। ठीक है, तो गैस आपको ये पोर्ट्रेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिंपल गैस आपको पोर्ट्रेट ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर पहले तो आपको कॉम्बो वन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं कॉम्बो वन को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फेस स्पॉटलाइट को हल्का सा कम करके यहाँ पर आपको रखना है 13 के आसपास। उसके बाद गैस आपको स्किन स्मूथिंग को देखना है, तो स्किन स्मूथिंग को आपको यहाँ पर हल्का सा प्लस करके इसको रखना है 24 के आसपास। उसके बाद गैस आपको आई क्लैड को थोड़ा सा प्लस करके इसको रखना है गैस आपको 32 के आसपास। ठीक है, सो अभी गैस आपको डन करके बैक चलना है, फिर से गैस आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद गैस आपको ऊपर जाना है, ऊपर जा करके आपको कर्व टूल पर क्लिक करना है। तो गैस देख सकते हो ये रहा कर्व टूल का ऑप्शन। सिंपल गैस आपको ये कर्व टूल पर क्लिक करके पहले तो आपको ये लाइन पर ऊपर एक डॉट बनाना है, उसके बाद हल्का सा ऊपर लेना है। ठीक है, उसके बाद नीचे एक डॉट बनाना है, नीचे एक डॉट बना करके हल्का सा डाउन करना है। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद अभी गैस आपको डन करके बैक जाना है। तो आपको लग रहा होगा कि इतने सारे सेटिंग करने के बाद भी फोटो में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा ना उसी चीज़ के लिए आपको ये सारा चीज़ को करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी गैस फिर से आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है, पेंसिल आइकन पर क्लिक करके आपको डिटेल टूल पर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर मैं डिटेल टूल पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद गाइस आपको शार्पनिंग को स्ट्रक्चर को हल्का सा प्लस करके 19 के आसपास रखना है। उसके बाद गाइस आपको डन करके बैक चलना है। तो गाइस इतना काम करने के बाद अभी गाइस आपको शेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो शेयर पर क्लिक करके यहाँ पर लाइट रूम आपको सिलेक्ट लेना है। तो गाइस यहाँ पर मैं लाइट रूम आपको सिलेक्ट लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो लाइट रूम पर इनपुट भी हो चुका है। सो अभी गाइस आपको क्या करना है, ये फोटो को इनपुट करने से पहले आपको एक प्रीसेट को भी डाउनलोड कर लेना है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये ब्लूटोन प्रीसेट मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी गाइस आपको क्या करना है, लाइट रूम पर इनपुट करके आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी सेटिंग करना है, देख सकते हो ये रहा कॉपी सेटिंग का ऑप्शन। सिंपली गाइस आपको कॉपी सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर डन पर क्लिक करके ओरिजिनल फोटो को ओपन करना है। फिर से गाइस आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट सेटिंग करना है, देख सकते हो ये रहा पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन। सिंपली गाइस आपको पेस्ट सेटिंग करना है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही सही तरह से कलर अप्लाई हो चुका है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा ऑसम लगता है। यहाँ पर गाइस देख सकते हो ये रहा बिफोर एंड आफ्टर, तो बहुत ही सही तरह से हमारी जो फोटो एडिटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले किस वीडियो में।